बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि मैं आपके साथ एएनएफ एक्ट मुकम्मल पहले डिस्कस कर चुका था, अब मैं आपके साथ उस एक्ट के एमसीक्यूज शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे। सारे एमसीक्यूज नहीं बताऊँगा आपको, जो अहम अहम होंगे वही एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और याद रही, तमाम पोस्ट के लिए है, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, एएसआई हो, एसआई हो, एलडीसी, यूडीसी, जितनी पोस्ट का रिटन टेस्ट होना है सब के लिए बहुत ही अहम है। और एक एमसीक्यूज जो आप सब के रिटन टेस्ट में आया पढ़ा है, आएगा नहीं आएगा ये सोचना बात की बात, मैं कहता हूँ आया पढ़ा है, वो है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, मंशियात के खात्मे के लिए कौन सा दिन हम मनाते होते हैं पूरी दुनिया में, कौन सा दिन है वो 26 जून है। ये आप सब ने याद रखना है। स्लोगन जो है एएनएफ का, यानी कि जो नारा है वो क्या है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये इसका नारा है। उसके बाद आपने ये एमसीक्यू शुरू हो गए हैं, लेकिन आपने मैं आपके साथ अहम डिस्कस करूँगा। ये बड़ा ही अहम एमसीक्यूज है कि जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट है, एंटी नारकोटिक का जो कानून है, मुल्क में कब लागू किया गया था, ये 11 जुलाई 1997 को लागू किया गया था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने यही याद रखना है कि इसके कितने सेक्शंस हैं, कितने मतलब इसके अंदर वो जैसे आप तरमीम कहते हैं, कितने सेक्शंस हैं वो 78 हैं, और इसका जो शेड्यूल है, कितने शेड्यूल होते हैं इसके अंदर, वो 1 शेड्यूल है, ठीक है जी। ये इस तरह आपने याद रखने हैं। अच्छा जी, ये जो एक्ट है 1997 का एएनएफ का, ये कहाँ तक लागू होगा, एक्सटेंड टू मतलब कहाँ कहाँ तक काम कर सकता है, होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पर ये लागू होगा कानून, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं जो एएनएफ के एक्ट है उसका जो सेक्शन टू है, वो सेक्शन टू जो है किसके बारे में बताते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब एएनएफ में ये टर्म आ जाती है, मुख्तलिफ टर्म्स आ जाते हैं, तो उनकी डेफिनेशन बताने के लिए उन्होंने एक सेक्शन बनाया, उसको हम सेक्शन टू कहते हैं। सेक्शन कौन सा क्या काम करते हैं उसके लिए आपको मेरा एएनएफ एक्ट का पार्ट वन देखना पड़ेगा, जिस पे मैंने आपको सब बताया हुआ है कि कितने सेक्शंस हैं और किस सेक्शन में क्या बातें बताई जाएंगी। अच्छा जी, इसके बाद इस एमसीक्यूज में आपसे वैसे अहम नहीं है, आप इस एमसीक्यूज में कहते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स जो किसी मंशियात का आदि हो गया है, चाहे जान ले जानबूझ कर या गैर जान के, तो उसको आप क्या कहेंगे, ऑफेंडर कहेंगे, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल कर सकता था, उसने अपनी आदत अपना ली ड्रग्स के यूज़ की, तो इसलिए उसको हम कहेंगे ऑफेंडर है। फिर लव, ये बहुत ही एमसीक्यूज है। नारकोटिक का मतलब ही क्या है, नारकोटिक का मतलब एडिक्टिव ड्रग, ऐसी मंशियात जिसके लोग आदि हो जाएं उसको हम नारकोटिक कहते हैं, ये अहम एमसीक्यूज है आपके लिए। द टर्म कैनाबिस मीन्स, कैनाबिस का मतलब क्या होता है, बोथ, यानी कि इसमें ए और बी दोनों जवाब आएंगे। कैनाबिस का मतलब है एक ऐसी ड्रग जिसको हमने खुश्क पत्तों से या फूलों से हासिल किया हो, हैम्प प्लांट के, हैम्प पौधे का नाम है, या फिर ऐसा प्लांट जिसको क्या किया जाए, स्मोक किया जाए या फिर चबाया जाए, किसके लिए, ताकि ये माइंड और बॉडी को क्या दे, नशा तारी कर दे, उस प्लांट के लिए भी हम क्या लव यूज़ करते हैं, कैनाबिस का लव यूज़ करते हैं। कैनाबिस रेजन, रेजन कहते हैं जैसे किसी दरख्त से आपने चीड़ निकलती हुई देखी हो, गम निकलती हुई देखी हो, तो उसको रेजन कहते हैं। तो कहते हैं कैनाबिस के जो रेजन होते हैं वो गम होते हैं, उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, चर्स का नाम देते हैं, चर्स सुनिए ना, चर्स, चर्स का नाम देते हैं। उसके बाद कैनाबिस प्लांट मींस, कैनाबिस का मतलब, प्लांट का मतलब क्या है, एनी प्लांट ऑफ जीनस कैनाबिस, कैनाबिस से जो ताल्लुक़ रखता है प्लांट उसको हम कैनाबिस प्लांट कहते हैं। कोका बुश मींस द प्लांट प्लांट ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ द जीनियस एरिथ्रोजाइलोन, ठीक है जी। कोका बुश जो है वो किस से ताल्लुक़ रख रहे हैं, एरिथ्रोजाइलोन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कोका डेरिवेटिव मींस, ठीक है, ये आपके एम एम सी क्यूज नहीं है। द केमिकल फार्मूला ऑफ, ये भी आपके एम एम सी क्यूज नहीं है। द टर्म ओपीएम, हाँ ये ओपीएम जिसको हम अफीम नहीं कहते, उसको इंग्लिश में ओपीएम कहते हैं। तो अफीम का मतलब क्या, ड्रग ऑब्टेंड फ्राम पोपी सीड्स, ठीक है जी, पोपी प्लांट है उसके बीज से जो हम ड्रग हासिल करते हैं उसको हम ओपीएम या अफीम कहते होते हैं अपने ज़बान में। उसके बाद कहते हैं पोपी स्ट्रॉ, पोपी स्ट्रॉ का मतलब क्या है, All the parts except the seeds of the opium poppy after moving, ठीक है जी। जितने भी poppy plant के हिस्से हैं सिवाय seed के, उनको हम क्या कहते हैं, poppy straw कहते होते हैं। ये MCQs आपने करने हैं। उसके बाद formula, ठीक है जी, ये आपने नहीं याद करने, अहम formula आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर jobs के लिए, ठीक है, मैं आपके साथ ज़्यादातर वाले share करने लगा हूँ। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं द ओपियम, या द ओपियम विच इज़ यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पज़ इज़ कॉल्ड मेडिकल ओपियम, जो हम दवा सादी के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको हम दवा साद वाली कहेंगे ना, ओके जी।
उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सेक्शन 3 ऑफ द नारकोटिक कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट 1997 डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस इन लिक्विड प्रिपरेशंस, चीज़ों की परसेंटेज को चेक करना जो कि लिक्विड की हालत में नशे के तौर पर इस्तेमाल होती हैं वहाँ पर। फिर आपके पास अच्छा गवर्नमेंट को कोई सवाल है ना, तो वो ज़्यादातर भाई कौन सी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, सूबाई या फिर फेडरल या फिर कोई और, तो ज़्यादातर का जवाब फेडरल होगा, यह भी आप ध्यान में रख लें। ओके जी, तो जो सेक्शन 4 है वो किसके साथ डील करता है, प्रोहिबिशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक प्लांट्स एक्ट का 1997 एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो क्या कहता है कि किसी भी किस्म का ऐसा प्लांट जो कि नशावर चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको आपने ग्रो नहीं करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपका आता है कि हूएवर पोजेसेस नारकोटिक सब्सटेंस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ 10 ग्राम आर लेस, कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास 10 ग्राम या उससे कम के नशावर अद्वियात मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको कितने साल की सज़ा हो सकती है, 2 साल की सज़ा हो सकती है उसको। ठीक है जी, वारंट के हवाले से अहम एमसीक्यूज है कि एक्ट का कौन सा सेक्शन है जिसके तहत वारंट्स जारी किए जा सकते हैं, तो सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 के तहत किसी के ख़िलाफ़ वारंट्स जारी किए जा सकते हैं और वारंट जारी करने के जो पावर्स है सेक्शन 20 के मुताबिक वो किसके पास होती है, स्पेशल कोर्ट के पास होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 20 के तहत द स्पेशल कोर्ट इशू टाइप ऑफ वारंट्स, कितने किस्म के वो वारंट्स जारी कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट, सेक्शन 20 के मुताबिक 2 किस्म के वारंट्स जारी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है, ये भी आपके अहम एमसीक्यूज़ है कि जो पावर्स होती हैं कोई भी इख्तियार दिए गए हैं सेक्शन 21 के तहत, वो इख्तियार कौन से रैंक वाला रख सकता है, कौन से रैंक से नीचे वाले लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते उन पावर्स को, तो वो कम से कम रैंक सब इंस्पेक्टर को होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर से नीचे कोई भी शख्स इन जो पावर्स दी गई हैं ANF की तरफ से एक्ट के मुताबिक, वो नीचे वाला बंदा नहीं इस्तेमाल कर सकता। वैसे तो असल में इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर से नीचे वाले रैंक वाले नहीं इस्तेमाल कर सकते उन पावर्स को, लेकिन यहाँ पर सब इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर का ऑप्शन ना हो तो सब इंस्पेक्टर ठीक कीजिएगा, अगर सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ना, तो इंस्पेक्टर आपका बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब केमिकल्स नेम की तरफ हम जाने लगे हैं, तो कुछ चीज़ों के केमिकल्स नेम्स आपसे पूछेंगे, कुछ के ट्रीवियल नेम्स, ट्रीवियल का मतलब जो हम एब्रीवेट या मुखफ़ करते हैं आम से नाम, वो आपसे पूछे जाएंगे, तो उनका भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि 5-5 डेली बार्ट्योरिक एसिड, ये किसका केमिकल नेम है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस होंगे, बाकियों की तरह तो आपने सही ऑप्शन टिक करना होगा, तो है एलो बार बीटा। याद रहे अगर केमिकल नेम्स आते हैं तो वो इन्हीं में से आएंगे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद एल्फिटामाइन, ये केमिकल नेम है किसका, केमिकल नेम किसका जी, ए मिथाइल प्लेनिथाइल लमीन। ठीक है जी, ये भी केमिकल नेम है, तो एक दूसरे के केमिकल नेम या इनमें से जो भी हो आपने एक दूसरे को टिक कर देना है, इनमें से एक आपसे पूछा जाएगा। फिर कहते हैं ट्रिवियल नेम ऑफ, ट्रिवियल का मतलब कॉमन या एब्रीवेशन जो आप करते हैं वो, ट्रिवियल नेम ऑफ एल्फिटामिन, एल्फिटामिन का जो कॉमन नेम है वो कौन सा है जी, एम्फिटामिन, एम्फिटामिन है। ठीक है जी, एल्फिटामिन का कॉमन नेम एम्फिटामिन है। उसके बाद 4-bromo-2-5-dimethoxy ए मिथाइल फिनाइल अमाइन, ये केमिकल नेम है किसका, ब्रोलम फिटामाइन। ठीक है जी, ब्रोलम फिटामाइन। फिर कहते हैं केमिकल नेम ऑफ बार बीटल, इसका केमिकल नेम क्या है, 5-5-diethyl-bartuic acid, ये बार बीटल का केमिकल नेम है। उसके बाद कहते हैं जी ब्यूटो बार बीटल इज़ द ट्रिवियल नेम ऑफ कैथिनोन। ठीक है जी, कैथिनोन ट्रिवियल नेम है ब्यूटो बारबिटल। 7-chloro-1-methyl-5-phenyl, और ये पूरा नाम आप जो भी होगा निशानी कोई कर लीजिएगा याद रखने के लिए, ये किसका केमिकल नेम है जो ऊपर उसने बताया है, क्लोबाजैम का ये केमिकल नेम है। ट्रिवियल नेम ऑफ डेक्सामफिटामाइन, ट्रिवियल नेम किसका जी डेक्सामफिटामाइन का, वो क्या है, डेक्सामफी या डेक्सामफी भी कहते हैं उसको। SPA ये किसका ट्रिवियल नेम है, SPA ये लिफ्टामाइन का ट्रिवियल नेम है। और इसी तरह से यहाँ पर भी आपको जो NN-dimethyl-1-2 ये पूरा नाम दिया हो, ये भी लिफ्टामाइन का ही केमिकल नेम है, वो ट्रिवियल नेम था और ये केमिकल नेम है लिफ्टामाइन का। फिर आपके पास आ जाए PCP इज़ द ट्रिवियल नेम, PCP किसका ट्रिवियल नेम है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे,
फी साइक्लिडीन। उसके बाद आपसे कहते हैं जी टी सी पी इज़ द ट्रीवियल नेम ऑफ टीनोसाइक्लिडीन। तो दोस्तों ये अहम एम सी क्यूज़ थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आप सबको मैं गुड लक भी बोलूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।